फाटक बोटिंग सिस्टम भी है, उसमें भी बहुत बड़ा है। सो जो लोग भुवनेश्वर आ रहा है ऑब्वियसली इधर आइए बैराज पे, इधर बोटिंग करने का भी है। एंड देन अभी आएंगे तो ऑब्वियसली आफ्टरनून में आइए, हम लोग धूप में आए, बहुत ही हालत ख़राब हो रहा है। सो आफ्टरनून में आइए, मज़ा मिलेगा बहुत। कुमीर है उसके अंदर, कुमीर है क्या? कुमीर हाँ, कुमीर था पहले। देखिए धूप में हालात क्या है, ये जगह अच्छी लगता है। मेनली ये जगह अच्छी लगेगा जब आप मॉर्निंग में आएंगे या आफ्टरनून में। तो मेरा इतना लाख है फिलहाल, सभी आर्टिफिशियल। वाओ, चलो सब खोल के नहा लेते हैं, उतर जाते हैं। मंदिर है, तो मंदिर है भगवान शिव का ही होगा। ये बोटिंग का भी है, बोटिंग करें। इसके अंदर बोल रहा है कुमीर है, कहा है कुमीर, दिख रहा है वो कुमीर है क्या? इधर लिखा है, लिखा है तो थोड़ी ना होगा। देखो इधर मयूर भी है लिखा है, वो उसके अंदर है। वो जो अभी एक मछुआरा गए वहाँ से, हाँ वो गांव को जाने के लिए सबका रोड है, तुम अगर उससे जाओगे तो तुम्हें मिल सकता है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी उन्होंने बंद कर दिया रास्ता। चलिए तो जंगल में जाते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। बाबा बुकिंग करते हैं ना से पक्ष तौल पड़ा फिर चार काम पे दराज। सो जो लोग आ रहा है, आप लोग सोच रहा है कि इधर रात को रुकना है, सो आप लोग रुक भी सकते हैं। सो उड़ीसा गवर्नमेंट का वेबसाइट में जाके सर्च कीजिए नेचर कैंप दराज बोल के, तो उधर मिल जाएगा। देन आप लोग इधर रुक भी सकते हैं, नाइट स्टे का मज़ा भी ले सकते हैं, रात को रुक सकते। सो नेचर कैंप पे है दराज का, सो ऑल्सो इज़ ब्यूटिफुल प्लेस। सो एक बार आप जो आ रहा है भुवनेश्वर में, तो प्लीज़ इस जगह को ट्राई कीजिए एंड उड़ीसा टूरिज़्म को और थोड़ा बढ़ाइए। सो उड़ीसा एक्चुअली लॉस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल प्लेस, सो मस्ट विजिट दैट प्लेस। ओके पीछे चलते हैं, इतना धूप में हालत ख़राब हो रहा है, मैं क्या बोल सकता हूँ। और जो भी आएंगे मस्ट थोड़ा आफ्टरनून में ही है तो मज़ा लगेगा। खतरनाक गंदा इंसान क्या होता है। हम एक बार तो पैसा नहीं था तो फिश करने आए थे, तो हम उस रास्ते से चल के आए थे पानी के अंदर घुस के, पानी में घुस गए थे। हाँ वो कूद के पानी भरा हुआ था पानी के अंदर, तो इसमें बारिश के टाइम में भी ये पानी पानी हो जाता है ना सब। ओह माय गॉड, इतना धूप। इस साइड में सीढ़ी नहीं है, माँ कहा इस साइड से सीढ़ी है।
हट, इतने में नामने में पा ऑफिशियल जाएगा तो मर जाएगी। हाँ तुम बहुत जाते। ये भी कॉटेज है गवर्नमेंट का। ओह इधर भी आके आप लोग रुक सकते हैं, इसका मन लग रहा है तो ये है मंदिर। चलिए और एक माँ हत्या सुई है मंदिर। इस साइड जाएंगे तो और भी उस साइड जा सकते हैं डैम का। सो बेसिकली दराजा झुमका ऑलमोस्ट सेम ही है डैम है एंड विद दैट मंदिर। मंदिर के ऊपर में नहीं है हम लोग इतना गर्मी में और मतलब नहीं हो रहा है। सो आप लोग जो आ रहे हैं झुमका या दराज दोनों जगह में आ सकते हैं। अगर पिकनिक करने का इरादा है तो ऑब्वियसली आइए। यार ऑब्वियसली आइएगा तो मॉर्निंग टाइम में या आफ्टरनून टाइम में फॉर द समर। बट विंटर में आइए तो कभी भी आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर आके आप एंजॉय कर सकते हैं। इसका फील बहुत सारा घाटशिला जैसे आ रहा है। घाटशिला में भी हम लोग ऐसे डैम देखे थे, ऐसे ही सेम थिंग देखे थे। बड़ा सेंचुरी में सो चलते हैं। इसके अंदर क्या है क्या क्या नहीं देख लेते हैं। मेनली हाथी है, हरिन है, पिकॉक है। वाओ दिस इज नाइस प्लेस, बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड ये जो टिकट देख रहे हैं ये हम लोग देराज में बनाया था। इसको लेके आप दो जगह ही घूम सकते हैं, देराज में भी घूम सकते हैं एंड ऑल्सो दैट सैनिटरी में भी घूम सकते हैं। सो आपको डबल टिकट नहीं करना पड़ेगा, इसी टिकट से आप लोग इधर भी घूम सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग इधर टिकट बनाएंगे इधर टिकट बना के देहराज में जा सकते हैं या देहराज में टिकट बना के इधर भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए ऊपर चलते, देखते ऊपर से कुछ देख सकते हैं कि नहीं। कुछ भी नहीं है इधर। एक्चुअली इतना दोपहर में ना कुछ भी नहीं निकलेगा, थोड़ा इवनिंग होता तो मैं भी निकलता। सो थैंक यू सोमो जी, हाथ तो एक बार मिला लीजिए। सो बाय बाय भुवनेश्वर, अभी वापस जाने का बैरमपुर टाइम आ गया है। सो मिलते हैं कुछ न्यू नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक अच्छा रहिए, खुश रहिए, एंड ऑल्सो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो न्यू कोई प्लेस लेके, न्यू ब्लॉग लेके फिर से मैं हाजिर हूँगा। बाय।